दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब सीबीआई द्वारा जांच की जा रही शराब घोटाले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वकीलों का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है। केजरीवाल ने याचिका में आरोप लगाया कि शराब नीति मामले में चल रही जाँच की आड़ में सीबीआई उन्हें लगातार परेशान कर रहा है और इसे गंभीर निराशा और चिंता का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जब अप्रैल 2023 में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और अस्थिर है। उन्होंने कहा कि रिमांड आदेश स्पष्ट रूप से नियमित है, जिससे गिरफ्तारी और कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया खराब हो रही है। केजरीवाल की याचिका में कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी का आधार बनाने वाले साक्ष्य पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं। सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी कानून की प्रक्रिया से नहीं बच सकती। उसे पक्षपात या एकतरफा दृष्टिकोण की किसी भी धारणा को दूर करते हुए निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है। मंगलवार को मुख्यमंत्री के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत के लिए जल्द ही आवेदन दायर करेंगे। इस बीच अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 17 जुलाई को बहस के लिए लिस्ट किया है।